ब्राह्मण वोट है आप पता करिए, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट है। जो कटेरिया समाज का वोट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट है। जो हमारे दलित वर्ग का वोट है वो बहुजन समाज, और छोड़िए जो यादव का वोट है वो बहुजन का वोट है। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। ओबीसी के अभी ओबीसी का वक्त नहीं है, जब ओबीसी का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग ओबीसी के साथ में खड़े रहेंगे। लड़ाई तो हमारी है ही नहीं की थी, हम जीत चुके हैं, आप ये समझिए, क्योंकि हमारे फाइट में कोई है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में, मैं हूं आपका दोस्त दानिश। 100 विधानसभा 196 काफी दिलचस्प होती नजर आ रही है। यहां पे समाजवादी पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से, चंद्रशेखर रावल की ओर से, ओवैसी की ओर से, और अब कूद चुकी है चुनावी मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 196 विधानसभा में जूही बहिदा बेगम जूही को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वहीदा जूही बेगम है जो समधन एक नगर लगता है, विधानसभा 196 में समधन एक नगर लगता है। वहां के जो पूर्व चेयरमैन थे सैयद सुल्तान अहमद उर्फ सिब्बू, उनकी बेगम है, तो उनकी बेगम पर मायावती ने 196 विधानसभा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, उन पर दांव लगाया है। हमारे साथ कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के जो 196 विधानसभा के जो जूही है उनके कुछ हमें समर्थक नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनमें कैसा उत्साह है और वो आगे क्या वो अपनी विधानसभा तक अपनी जूही जी को पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए सीधे हम लोगों से बात करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। किस तरीके से क्या तैयारियाँ हैं, वो सब जो उनके लड़के हैं और सब साहब और जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी पॉपुलरिटी की वजह से क्या वोट इन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, सीधे सीधे हमें बताइए। देखिए, जो हमारे नगर के चेयरमैन रहे सैयद अहमद सुल्तान उर्फ सिब्बू, काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे हैं यहाँ के, और उनके पुत्र उनसे भी चार कदम आगे निकले। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि उन्हें बहुजन समाजवादी पार्टी ने बुला करके प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो हम लोगों के नगर में तो जैसे मानो कि बिना ईद के ही ईद हो गई। हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि दिल चीर के रख दें या हम कलेजा फाड़ के रख दें, हमें ऐसा लगा, क्योंकि वो बंदा जो सैयद अहमद उसैब है वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जब जब अभी की बात है, थोड़े समय पहले की, ये कोविड चल रहा था उस समय हमारे नगर के कुछ लोग जो थोड़े गरीब टाइप के थे उनके पास रोजगार चला गया, तब उन्होंने हम लोगों ने देखा कि कैसे अपनी फॉर्चूनर से रात को निकल के हाईवे पर खड़े होकर के और वो क्या कहते हैं आटा दाल तेल बाटा, तो हम लोगों को लगता था ये व्यक्ति कभी ना कभी जरूर आगे तरक्की करेगा, और उसी की दुआओं का नतीजा आज बहन कुमारी मायावती जी ने दिया कि उन्हें घर से बुला करके और टिकट दिया। टिकट देने के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया है कि मैं तुम्हें बेटे आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी माँ को इस छिबरा में विधानसभा से विधायिका बनाकर मैं देखना चाहती हूँ। और हम नगर के लोग ये वादा करते हैं कि देखिए, अभी आप कह रहे थे कि भाजपा और सपा की टक्कर नहीं, किसी से कोई टक्कर नहीं है बसपा की, क्योंकि याद करिए आज से 20 दिन पहले कौन नाम ले रहा था यहाँ पर समाज बहुजन समाज पार्टी का, पूछिए लोगों से, कोई नाम नहीं ले रहा था। आज की हालत ये है कि इस 6 साल के बच्चे से लेकर और 60 साल के बूढ़े तक, बुजुर्ग से तक आप अगर पूछेंगे तो मात्र एक ही नाम है, वहीदा बानो जूही और हाथी की सवारी। कहीं ना कहीं जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन मरहूम सुल्तान अहमद, उनका भी एक सपना था कि मैं विधायक बनूं, तो उसी के चलते आप लोग उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं उनके सपने को। जी, जो उनका सपना था पहले कि मैं विधायक बनकर के अपनी जनता की सेवा करूं, क्योंकि उन्होंने कभी अभी चेयरमैनी का पद रहा हो चाहे वो विधायकी के लिए उन्होंने दावेदारी की हो, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं मेरे लिए कुछ हो जाए, उन्होंने अपनी जनता के लिए सोचा, और इसी का नतीजा ईश्वर भगवान ने दिया है कि आज उनकी पत्नी जी को टिकट दे करके जनता की सेवा के लिए आज वो नहीं जिंदा है, लेकिन ईश्वर ने उनके स्थान पर उनकी पत्नी को इसीलिए टिकट दिलवाया कि आप जाइए और जनता की सेवा करिए, और मुझे उम्मीद है वो जनता की बराबर सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है
कि जितना भी वोट बैंक था बहन कुमारी मायावती जी का, वो एक तरफ जो है भाजपा की तरफ भाग गया। क्या सेंध लगा पाएंगे? बसपा ने टिकट देने में काफी देर तो नहीं कर दी, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही तब फाइनल किया है। देखिए, जो ब्राह्मण वोट है आप पता करिए, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट है। जो कटेरिया समाज का वोट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट है। जो हमारे दलित वर्ग का वोट है वो बहुजन समाज, और छोड़िए जो यादव का वोट है वो बहुजन का वोट है। आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं, मेरी पार्टी डायरेक्ट फाइट में है और इंशाल्लाह मैं विजय होकर ही के आऊंगा आप लोगों के आपके। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि इनकी जो सोच है और उनका जो वोट बैंक है कितना असर डाल पाएगा 196 विधानसभा में, क्योंकि एक त्रिकोणीय लड़ाई अब बन चुकी है भाजपा सपा उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की। चलिए, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपने बोला ओबीसी के, अभी ओबीसी का वक्त नहीं है, जब ओबीसी का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग ओबीसी के साथ में खड़े रहेंगे। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए हिस्से के लिए हम आए हैं चुनावी मैदान में। आप तो मायावती जी की तरफ चले गए। नहीं, मायावती जी की तरफ हम लोग गए सिर्फ, हमारा ये भी भाई है ना, ये भी भाई हमारा है, तो हम इसके लिए खड़े हूँ। लोकल की राजनीति देख रहे हैं आप, ऊपर नहीं देख रहे? नहीं, लोकल की राजनीति, लोकल की। लोकल की क्या मुद्दे रहेंगे आपके समन से लेकर यहाँ के जो आपको जो विधायिका चुनी जाएंगी आपकी तरफ से, अगर बन जाएं तो क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र के लिए और समन के लिए? देखिए भाई, इससे पहले भी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, इन्होंने इनके बाप दादाओं से लेके अभी तक इनका कोई भी घोटाले का कोई भी ऐसा काम ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही इन्होंने काम किया है। इनके जो दादा है और दादा के दादा, फिर उसके बाद में जो भी आए, सबने जो है जनता के लिए काम किया है। ये कुछ और लोग हैं हमारे साथ, तो चलिए उनसे हम पूछते हैं किस तरीके से लड़ाई देख रहे हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है विधानसभा की, बड़ी दिलचस्प होने वाली है, सभी सीटों से इसमें सीट में ज्यादा मजा आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं लड़ाई को? लड़ाई तो हमारी है ही नहीं किसी से, हम जीत चुके हैं आप ये समझिए, क्योंकि हमारे फाइट में कोई है ही नहीं। अब ऐसे जज्बात बनी है लोगों के कि उस भाई को विधायक के रूप में देखने के, क्योंकि जो तायर भाई आ रहे थे उनको तो टिकट मिली नहीं है। अब मुस्लिम जाटव यानी जितने भी समाज है सब मेरे साथ हैं, यादव हर समाज मेरे साथ है। सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा है तो उससे क्या होता है? उन्होंने नहीं छोड़ा है, जनता तो मेरे साथ में है। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मत होना चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम के लिए तो और कई अन्य पार्टियां हैं, आपको बहुजन समाजवादी पार्टी ही क्यों अच्छी लगी? ये दो शब्दों में हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से चेयरमैन साहब 27 साल से काम कर रहे हैं, हम कोई नए थोड़ी इसमें आए हैं, हम 27 साल से काम कर रहे हैं। मायावती को ये पता चला है कि चेयरमैन साहब नहीं रहे हैं और मेरा बहुत पहले से टिकट चल रहा था तो किसी कारण हमें नहीं मिल पाया, तो जब मायावती ने देखा है कि तो तुरंत मुझे फोन करके बुलाया और मुझे लखनऊ में टिकट दिया है, बुला के दिया है। तो मतलब इस बार जो है जूही जी को विधानसभा में भेजने की तैयारी मन बनवा चुकी है जनता यहाँ की, पूरी जनता, एक यहाँ की जनता नहीं है, पूरे विधानसभा की जनता मन बना चुकी है और बहुत दिल से काम कर रही है। हर वोटर जो है वो खुद प्रत्याशी समझ के लगा हुआ है। तो चलिए, ये कुछ समर्थक थे हमारे साथ जो हमसे बातचीत कर रहे थे, हमसे जुड़े हुए थे, उनका साफ साफ तौर ये कहना है कि इस बार 196 विधानसभा सीट से बहन कुमारी मायावती जी की यानी कि जूही जी की सीट यहाँ से निकलेगी। तो कल सुबह हम आपकी जो यहाँ के उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो बेटे हैं अहमद सुल्तान जी के और जूही जी के जो बेटे हैं और सैफ साहब, उनसे हम सुबह आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। अगर पेज पे हैं तो उसे फॉलो करें, अगर चैनल पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।